गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज से हम 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और 12th फिजिक्स का ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड भी है, ऑप्टिक्स का बहुत सारे वीडियो आपको अपलोड भी है, लेकिन आज से हम हिंदी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उनसे पहले हम फिजिक्स में एनसीईआरटी में कितना चैप्टर है और कितना नंबर, कितना मार्क से कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा वो हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अशमनी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अशमनी अकेडमी। दोस्तों, आपको बता दो कि हमारे चैनल पे मैट्रिक, 11th, 12th और BSc फिजिक्स ऑनर्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का बहुत सारे वीडियो अपलोड है, आप जा करके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी फिजिक्स 12th का। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको 12th में कितना चैप्टर और कितना नंबर से कौन से मार्क्स, यानी कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाएगा वो आज जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखे है 12th फिजिक्स। इसमें से देखिए फिजिक्स का यहाँ पे पांच ब्रांच का ये नाम जो लिखे है, ये पांच ब्रांच का नाम हम लिखे है। आपको एनसीईआरटी में कितना चैप्टर है वो भी आपको बताएंगे। पहले देख लीजिए पाँचों ब्रांच में, सबसे पहला ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें से आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। उसी तरह दूसरा में आता है, यहाँ पे करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनमें आपको 21 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी देखिए ज़्यादा चैप्टर है एनसीईआरटी में देखा जाए तो। देखिए यहाँ पे 4 चैप्टर आता है, पहले यहाँ पे ब्रांच देख लीजिए। उसके बाद तीसरा में है मैग्नेटोस्टैटिक्स, इनमें 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चौथा में ऑप्टिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसमें 14 मार्क्स यहाँ पे लिखे हैं, कभी कभी कम या ज़्यादा भी हो सकता है और हो जाता है। उसके बाद पचवा में है मॉडर्न फिजिक्स, इनसे आपको टोटली 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है और होगा भी। तो देखिए कुल मिलाकर के सबको ऐड करते हैं तो फिजिक्स में कुल मिलाकर के आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, जिनमें से आपको अभी जो पैटर्न है फिलहाल 2021 और 22 का जो हम बात कर रहे हैं, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है कितना, 70, जिनमें से आपको 35 का जवाब देना रहता है 70 ऑब्जेक्टिव में से। और फिर 35 मार्क्स का क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, ये आप लोगों को पता होगा। और 30 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो कुल मिला करके टोटली फिजिक्स में कितना होता है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम एंड 100 मार्क्स होता है। लेकिन एग्जाम कितना का लिया जाएगा यहाँ पे, 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो कुल मिला करके 100 नंबर हो गया। अब जो यहाँ पे पांच ब्रांच लिखे हैं, पांचों ब्रांच में देखिए एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे तो कुल मिला करके 15 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको यहाँ पे 2 चैप्टर आता है। पहले आपको यानी एनसीईआरटी में कितना चैप्टर है वो आपको हम बता देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि इसमें कितना चैप्टर और ये पांचों जो ब्रांच है सब में कितना कितना चैप्टर रहेगा। तो देखिए एनसीईआरटी का चैप्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखे है 12th एनसीईआरटी फिजिक्स सिलेबस। तो 12th में यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिलाकर के एनसीईआरटी में 15 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। 15 का यहाँ पे नाम हम बता देते हैं, देखिए कौन कौन सा है। पहला में है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, आप लोग बुक में देख सकते हैं। दूसरा है विद्युत विभव तथा धारिता, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। देखिए अभी आपको लैंग्वेज हम हिंदी में ही बताएंगे और इंग्लिश में भी बहुत सारी यूज करेंगे, फिलहाल ये हिंदी मीडियम में बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास में ऑफलाइन में जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, वह हिंदी मीडियम का है, ठीक। उसके बाद तीसरा में देखिए विद्युत धारा, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट के नाम से जानते हैं। चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबक। पांचवा चैप्टर है चुंबक एवं द्रव। छठा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सातवा प्रत्यावर्ती धारा। आठवा विद्युत चुंबकीय तरंगे। और नौवा किरण प्रकाश की। और दसवा है यह तरंग प्रकाश की, जिसको वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। ग्यारहवा चैप्टर देखिए विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। बारहवा में है परमाणु। और तेरहवा में है नाभिक। चौदहवा में है अर्धचालक पदार्थ, सेमीकंडक्टर जो होता है। और पंद्रह में है संचार व्यवस्था। तो कुल मिलाकर के एनसीईआरटी में यदि बात किया जाए तो आपको कुल मिलाकर के एनसीईआरटी में 15 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। और किन चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाएगा तो अभी आपको बताया है,
यहाँ पे देख लीजिए पीछे में, यहाँ पे देखिए ट्वेल्थ फिजिक्स को यदि आप अदर पब्लिकेशन का बुक लेंगे तो आपको इस तरह का यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिलेगा। मुख्य रूप से यहाँ पे पांच ही ब्रांच मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड में करेंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड में है मैग्नेटोस्टैटिक्स, और फोर्थ में है ऑप्टिक्स, और फिफ्थ में है मॉडर्न फिजिक्स। अब देखिए इसी 500 ब्रांच में आपको एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। देखिए जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनसीईआरटी का दो चैप्टर आता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, देखिए इसमें दो चैप्टर वन और टू आ जाता है एनसीईआरटी का, और वन और टू में कौन कौन है अभी आपको बताए, वहाँ से समझ सकते हैं। और क्रेन इलेक्ट्रिसिटी में देखिए यहाँ पे चार चैप्टर जो एनसीईआरटी का, यह है 3, 4, 5, 6, ये जो लिखा है चैप्टर का नाम लिखे है किसका, तो एन सी ई आर टी का है, ठीक। और मैग्नेटोस्टैटिक्स में कितना, तो दो का चैप्टर 7वां और 8वां एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक। उसी तरह ऑप्टिक्स में देखिए यहाँ पे दो का चैप्टर एनसीईआरटी का 9वां और 10वां चैप्टर है। दोस्तों ये ऑप्टिक्स चैप्टर आपको ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, हिंदी मीडियम में भी बात कर रहा है कि ऑलरेडी ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है, आप प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें है 5वां है मॉडर्न फिजिक्स, इनमें देखिए कितना चैप्टर 11, 12, 13, 14, 15, तो कुल मिलाकर ये 5 चैप्टर इसमें आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन अदर पब्लिकेशन में सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स लिखा होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एनसीईआरटी में जोड़ लिया जाए तो 15 चैप्टर होता है जो अभी आपको बताया है। और यदि मार्क्स का बात किया जाए किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाए, तो इधर आपको पहले ही बता दिया है, इधर देख सकते हैं ये मार्क्स जो लिखे हैं थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम या ज़्यादा होगा। किसी चैप्टर से यहाँ पर 7 लिखे हैं तो 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 10 भी आ जाता है। तो ये बिहार बोर्ड या जो भी बोर्ड है उस बोर्ड पे डिपेंड करता है, ये एक आंकड़ा लगाया गया है कि इतना मार्क्स ये पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बता दिया है कि ऑप्टिक्स ऑलरेडी अपलोड है, और कल से आपको रेगुलर वीडियो जो मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, इसमें दो चैप्टर 1 और 2 आपको स्टेप बाय स्टेप रेगुलर वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड हिंदी मीडियम में किया जाएगा। यदि आप लोग इंग्लिश मीडियम से है तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए कि सर जी इंग्लिश मीडियम का रेगुलर वीडियो लाइए। वैसे तो हमारे चैनल पर इंग्लिश मीडियम का बहुत सारे वीडियो अपलोड भी है, मैट्रिक का, 11th का, 12th का, BSc Part 1, Part 2, Part 3 और MSc का भी कुछ वहाँ पे वीडियो अपलोड है, तो आप जा करके देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। लेकिन बेसिकली आज जो ये वीडियो हम बनाए हैं ये हिंदी मीडियम के लिए हम अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाएगा। तो दोस्तों कल से चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं, यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।